तो मैं समझाता हूँ कैसे आपने डाटाबेस एडमिन अटैच करना है XAMPP के अंदर, PHP एडमिन में। तो सबसे पहले तो आपने अपना XAMPP स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट करने के बाद माई PHP एडमिन में जाना है। PHP एडमिन में जाने के बाद पहले तो आपने डेटाबेस क्रिएट करना है, उसके बाद यूज़र क्रिएट करना है और यूज़र को डेटाबेस के साथ अलाइन करना है। तीन स्टेप हैं, डेटाबेस क्रिएट करना है, यूज़र क्रिएट करना है और यूज़र को डेटाबेस के साथ अलाइन करना है। तो सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप होम में जाके डेटाबेस पे क्लिक करोगे। डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद डेटाबेस का नाम दोगे। मैं इसका नाम देता हूँ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स 3, बिकॉज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स एंड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स 1 ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं इसका नाम देता हूँ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स 3। तो आपने यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स ही देना, बिकॉज वो फाइल्स में यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स वाला ही बनाया हुआ है। 3 मैं इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी 1 और बने हुए हैं, ये 1 भी बना हुआ है, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स भी बना हुआ है। तो आप इसको क्रिएट कर दोगे, इसके साथ आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया, वेरी सिंपल। इसके बाद आपने यूज़र क्रिएट करना है। यूज़र के लिए आप फिर से होम टैब में जाना है। होम में जाने के बाद आपने यूज़र अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। उसके बाद आपने नीचे आके ऐड यूज़र करना है और यूज़र में आपने यूज़र का नाम देना है। मान लो मैं देता हूँ एडमिन 2, बिकॉज एडमिन 1 और एडमिन ऑलरेडी बने हुए हैं, आपने एडमिन ही देना है। उसके बाद आपने पासवर्ड डिसाइड करना है, एडमिन @123 और एडमिन @123। और उसके बाद आपने इसको ऑल प्रिविलेजेस दे देनी है। चेक कॉल कर दोगे तो सारी की सारी प्रिविलेजेस अटैच हो जाएंगी। उसके बाद आपने गो करना है तो आपका यूज़र भी क्रिएट हो गया, ये बना हुआ है ऑलरेडी। तो मैं एडमिन 3 बना देता हूँ यहाँ पे। तो दोबारा से क्रिएट करोगे तो ये बन गया एडमिन 3। अब इस यूज़र को हमने डाटाबेस के साथ अलाइन करना है। उसके लिए आप सिंपली डेटाबेस में जाएंगे। डेटाबेस में जाने के बाद अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर लेंगे जो आपने क्रिएट किया अभी, और उसके बाद गो करोगे। उसके साथ आपने फिर से दोबारा से चेक कॉल करके सारी प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर देनी और गो कर देना। आपका यूज़र भी अलाइन भी हो गया इसके साथ, डाटाबेस यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स के साथ। इसके साथ आपका ये डाटाबेस क्रिएट हो गया। और उसके बाद इसमें आपने अपनी फाइल्स को इंपोर्ट करना है, जो आपने अभी एक्सेल की फाइल या ODS फाइल्स जो भी आपके वो सपोर्ट करती हैं। मैं ODS फाइल इंपोर्ट कर देता हूँ और फर्स्ट इसको सिलेक्ट कर लेना, फर्स्ट लाइन और गो। आपकी पहली फाइल हॉस्पिटल्स वाली फाइल इंपोर्ट होगी। अब दूसरी फाइल इंपोर्ट करनी है आपने यूनिवर्सिटीज़ वाली। मैंने आपको एक्सेल की फाइल्स ऑलरेडी भेजी हैं और ODS की फाइल्स भी भेज देता हूँ, और दोनों में से जो भी सपोर्ट करती हैं वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ आपकी फाइल्स भी इंपोर्ट हो गई हैं, डाटाबेस भी क्रिएट हो गया, यूज़र भी अलाइन हो गया। उसके बाद जो आपको HTML और PHP की फाइल्स है वो XAMPP के अंदर आपने HTTP डॉक्स के अंदर उनको पेस्ट कर देना, उस फोल्डर के अंदर जाकर पेस्ट कर देना। उसके बाद यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स .html की फाइल को रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। शुक्रिया, थैंक।